हैं यूपी के देवरिया चलते हैं जहां पर इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। वोट कटुआ कांग्रेस की रक्षा नीति, ये वोट कटुआ प्रोत्साहित करने वाले ही लोग हैं। साथियों, कांग्रेस कहती है कि हमारे सैनिकों को मिला सुरक्षा कवच, उनको मिला विशेष कानून ही वो आकर के हटा देगी। कांग्रेस कह रही है कि देशद्रोह का कानून ही हटा देगी। कांग्रेस चाहती है कि भारत के टुकड़े टुकड़े होने के नारा लगाने वाले, मां भारती को गाली देने वाले, नक्सलवादियों को मदद करने वाले, हमारे वीर जवानों को पत्थर मारने वाले सब मौज करें। आप चाहते हैं ये लोग मौज करें? आप चाहते हैं मौज करें? ये लोग जेल में सड़ने चाहिए कि नहीं सड़ने चाहिए? कानून कानून का काम करें या ना करें, लेकिन कानून ही हटा देंगे तो क्या करोगे? ये कांग्रेस खुलेआम कानून हटाने की बात कहती है। कांग्रेस चाहती है कि जान हथेली पर रखने वाले हमारे वीर जवान कोर्ट कचहरी में केस भुगतते रहे, वकीलों को पैसे देते रहे। भाइयों और बहनों, इस धरती ने तो शहीद रामचंद्र, राजा उदित नारायण जैसे अनेक क्रांति वीर दिए हैं। क्या देवरिया, हमारा पूर्वांचल, देशद्रोहियों को खुली छूट देने वालों का कभी भी गलती से भी साथ दे सकता है क्या? दे सकता है क्या? ऐसी सोच रखने वालों को आप सजा देंगे क्या? आप सजा देंगे क्या? ढीला ढाला कैसे करेंगे? मजबूती से देंगे क्या? साथियों, ये लोग दिल्ली में इसलिए सरकार बनाना चाहते हैं ताकि उनके परिवारों, उनके कारोबारियों को फिर से लूट खसूट करने का लाइसेंस मिल सके। कोई कोयला खाएगा, कोई टेलीफोन में घोटाला करेगा, कोई सेना के साजो सामान में लूट करेगा। यहां तो ऐसे लोग हैं जो ईंट, पत्थर, बालू, रेत, जमीन और ताजमहल और टोंटी तक को नहीं छोड़ते। भाइयों और बहनों, हमेशा सिर्फ जाति की राजनीति करने वाले लोग आजकल क्या कर रहे हैं? पहले मोदी मोदी को गाली देते थे, आजकल क्या किया है पिछले 3-4 दिन से? आजकल वो अब मुझसे मेरी जाति का सर्टिफिकेट मांगने लगे हैं। सुना है ने आपने, मोदी किस जात का है? पिछले चुनाव में तो बोल दिया था नीच जात का है, लेकिन आप कहते हैं जरा मोदी बताओ किस जात का है। भाई बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ, लेकिन देश को दुनिया में सबसे आगे ले जाने के लिए डान से जुटा हुआ हूं। और जो लोग मोदी की जाति जानना चाहते हैं, ये लोग कान खोल करके सुन ले, उलझन में न रहे। मोदी की एक ही जाति है, गरीब। मैं गरीब जात का हूं, मैं गरीबी से ही निकल करके यहां पहुंचा हूं। रसोई में लकड़ी पर खाना बनाने में जो तकलीफ होती है वो मैंने बचपन से देखी है। बिना बिजली के अंधेरे में
भाई ये कैमरा वालों, आप कैमरा इधर कर दो, ये नारेबाजों का उत्साह कैमरा के कारण आ रहा है। थैंक यू भैया, आपकी फोटो निकल चुकी है, मैं काम करूं अपना? अगर आप इजाजत दे तो मैं अपना काम करूं। आपका प्यार, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर भैया, आपका ये जोश मुझे मंजूर है। अब मैं बोलूं, कभी यहां बंद होते तो कभी यहां शुरू हो जाते हैं। वैसे मैं बताऊं, देवरिया से मेरा एक और नाता भी है। मैं राजनीति में आया तो मैं राजनीति में तब नहीं था, और गुजरात में चुनाव थे उस समय हमारे कलराज जी युवा मोर्चा का काम देखते थे, तो कलराज मिश्रा गुजरात आए थे। और बड़ा नेता क्या होता हूं, मैंने पहली बार कलराज जी को देखा था, पहली बार। और कलराज जी हमें पर्चे देते थे, हम छोटे थे तो हम पर्चे बांट के आ जाते थे। और कलराज जी उस समय शायद दो महीना मेरे गांव के बगल में बीजापुर में रहे थे, जनसंघ का, उस समय जनसंघ था, जनसंघ का काम करते थे। ऐसे लोगों को देखते 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 हम राजनीति में आए, हमें बड़ा बनाया इन लोगों ने जी। भाइयों बहनों, हमने गरीबी देखी है, हम गरीबी से निकल करके आए हैं। बिना बिजली के अंधेरे में डिबरी जलाकर रात रात भर पड़ा हूं, शौचालय न होने पर हर तरह की तकलीफ सहते मैंने भी अपने परिवार को और करीबियों को देखा है। न पक्का घर, न बैंक खाते, न दवाई, न इलाज, यही सब जी करके भुगत करके मैं आपके आशीर्वाद से यहां पहुंचा। साथियों, गुजरात में इतने साल तक मुख्यमंत्री रहा, और ये बुआ और बबुआ दोनों का मिला लो तो उसे भी ज्यादा मैं मुख्यमंत्री रहा हूं। नमस्कार, आज पश्चिम बंगाल में और देश के और भी भागों में लोकसभा चुनाव का छठा चरण का मतदान हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली पश्चिम बंगाल को तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेता ने गुंडा तंत्र की प्रयोगशाला बना रखा है, गुंडा तंत्र की लिबर्टी बना रखा है। और जिस तरह से षड्यंत्र और साजिश हो रही है, वो इस बात का प्रमाण है कि तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेता लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती, विश्वास नहीं करती। एक बात बहुत स्पष्ट है, इस बात भी अच्छी तरह समझ चुकी, दीदी भी अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि दीदी की अकड़ और अहंकार का जंतर मंतर 23 तारीख को छू मंतर हो जाएगा। जो दीदी की अकड़ और अहंकार का जंतर मंतर है, वो 23 तारीख को जब चुनाव के फैसले आएंगे, रिजल्ट आएंगे, तो वो छू मंतर होगा। हम पश्चिम बंगाल के लोगों को का स्वागत करते हैं, नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं,
जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी गुंडा तंत्र के षड्यंत्र और साजिशों और खूनी खेल के बावजूद भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों